Hey guys, welcome to my channel Be Natural खुशी। आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है गर्मी का सीज़न है और सन की वजह से आपका फेस जो है बहुत ही ज़्यादा डल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, और इजली तरीका है, काफ़ी ईजी है। सो कौन सा फेस वॉश आपके फेस के लिए बेस्ट रहेगा, मैं करने वाली हूँ फेस वॉश का रिव्यू एंड डेमो शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कौन सा फेस वॉश यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, विटामिन सी है फॉर्मिंग फेस वॉश। ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है और इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इसको ऑनलाइन परचेस किया है, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके फेस पे ब्राइटनेस करता है, आपके फेस को बेदाग निखार देता है, आपके फेस पे जो भी डलनेस रहता है वो इसको रिमूव करता है। अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो ये भी उसको रिमूव करता है और स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कर देता है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका पैकेजिंग। सो आप देख सकते हैं, ये मुझे एक कार्ड बुक में मिला था और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 150 अराउंड है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया मुझे लिए, तो मैंने इसका यूज़ करके पहले देखा है, फिर मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रही हूँ कि इसका यूज करने से क्या बेनिफिट होने वाला है। तो मैंने एक ही परचेस किया है। अगर आप लोकल मार्केट से लोगे तो ये 40.99 रुपीज़ का मिलेगा और ये 100 ml का बोतल है और ये प्लास्टिक का पूरा है। और विटामिन सी आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा अंदर से निखार देता है और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोई और हाइड्रेट रखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दूं कि ये वर्क कैसे करता है और आपको फेस वॉश कैसे करना है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि ये फेस वॉश वैसे भी आप लोग को पता ही होगा कि फेस वॉश कैसे यूज़ किया जाता है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी कि इसको यूज करने का तरीका। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ऐसे करना है और अपने फेस पे ऐसे करके ऐसे अप्लाई करते रहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेरे फेस पे यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, काफ़ी ज़्यादा ऑयली टाइप का लग रहा है। तो मैं आपको फेस वॉश करके दिखाती हूँ। और इसकी स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, इसमें से लेमन टाइप का और ऑरेंज टाइप का इसमें से स्मेल आ रहा है, काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा है इसमें से। लगभग इसको 5 मिनट तक आपको अपने फेस पे ऐसे ही मसाज करना है। मसाज करने के बाद से इसको नॉर्मल वाटर से आपको क्लीन कर लेना है। तो मैं अभी इसको क्लीन करके आपको दिखा देती हूँ कि मेरा फेस कैसा ब्राइट कर रहे हैं और कैसा लग रहा है मेरा स्किन। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा सा स्किन हो गया, तभी ऑयली टाइप का था और अभी अच्छा हो गया है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट टाइप का लग रहा है। तो इस फेस वॉश का आप यूज अगर डेली करोगे दिन में 2 बार तो आपका फेस है जो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपके फेस पे अगर दाग धब्बे हैं तो ये उसको भी रिमूव कर देगा, अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं तो ये इसको भी रिमूव करता है। अगर आप चाहें तो इस फेस वॉश का यूज कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा है और ये मीशो पे है और मीशो का प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता और अच्छा होता है, तो आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये आपको वहाँ पे परचेस करने के लिए मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं आपको इसका मतलब बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और जिनकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ऑल स्किन टाइप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी सेल्फ लाइफ मैं बता दूँ कि इसकी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर और इसमें किन किन चीज़ों को मिला के बनाया गया है
और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन और विटामिन सी, और ये इसमें प्रोफर्म कलर दिया गया है, काफ़ी अच्छा कलर है ये। और इसका वर्क जो है ये है रिमूव ब्लैकहेड हेड्स, रिमूव डेड स्किन, लाइटनिंग, रिमूव डर्ट्स, ये आपके स्किन को रिलीफ करता है, आपके ओपन पोर्स को ये आपके ओपन पोर्स को क्लीन करता है, काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। आप इसका एक बार यूज़ करके देखो। सो बस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।